बिगनर्स लेवल की कंप्लीट एडिटिंग प्रीमियर में किस तरह से होती है आइए मैं आपको बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज खुर्रम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं स्टूडियो में आपको एक कंप्लीट एडिट बताऊंगा कि हम प्रीमियर में किस तरह से करते हैं। अब तक जितने भी मैंने टॉपिक कवर किए हैं वो बेसिकली हमारे टूल्स के हवाले से थे कि हम टूल्स को किस तरह से और कहां कहां पे यूज़ करते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमने अगर कंप्लीट कोई एक एडिट करना है विद म्यूज़िक तो हम उसको किस तरह से करेंगे, उसमें हमारी क्या एक्सपोर्ट सेटिंग्स होंगी, हम उसको किस तरह से एक्सपोर्ट कर सकते हैं और वीडियो की लेयर जो है उसमें क्या चीज़ें हैं, ऑडियो की लेयर में क्या चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मैं आज आपको इस कंप्लीट एडिट में बताऊंगा कि हम उसको एक कंप्लीट एडिट किस तरह से कर सकते हैं। तो बिना वक्त को ज़ाया किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आइए प्रीमियर की तरफ बढ़ते हैं। ऑलराइट गाइस, तो सबसे पहले हम प्रीमियर को ओपन कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर प्रीमियर ओपन कर लिया, आपके सामने आ रहा है प्रीमियर, और जैसे ही मैं प्रीमियर को ओपन करूँगा तो आपके पास एक इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। हो सकता है कि आपके पास ये वाला इंटरफेस ना आ रहा हो, उसके लिए मैं आपको कुछ चीज़ें हैं वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आप विंडोज़ में जाएंगे, विंडोज़ में जाने के बाद वर्क स्पेस है, वर्क स्पेस में यहाँ पर आपके पास एडिटिंग है, एडिटिंग पे क्लिक कर लें और या तो इसको रीसेट टू सेव लेआउट पे कर दें तो भी आपका इंटरफेस जो है वो रीसेट हो जाएगा। मैं यहाँ पर एडिटिंग पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर आपका इंटरफेस चेंज हो जाएगा। चेंज होने के बाद मैं कुछ चीज़ें हैं वो मैं क्लियर करना चाहूँगा कि यहाँ पर आपको जो मैंने चीज़ें पहले वाले ट्यूटोरियल्स में बताई थी कि हमारे बेसिकली चार पैनल्स होते हैं, इसके अंदर चार पैनल्स को किस तरह से डिवाइड किया गया है वो अलग अलग तरह से मैं आपको अभी बता देता हूँ। चार पैनल्स हैं बेसिकली, एक सोर्स पैनल है, एक हमारा प्रोग्राम पैनल है, टाइमलाइन है और एक प्रोजेक्ट पैनल है। प्रोजेक्ट पैनल के अंदर सबसे पहले हमें डाटा को इंपोर्ट करना होता है, जिसको हमने एडिट करना है वो हमारा प्रोजेक्ट पैनल में इंपोर्ट होगा। प्रोजेक्ट पैनल के अंदर रहते हुए मैं डबल क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। डायलॉग बॉक्स ओपन होने के बाद मैं यहाँ पर डेस्कटॉप पर ही मैंने एक ट्यूटोरियल का ये फोल्डर पहले से बनाया हुआ है, यहाँ पर या तो मैं इसको पूरे फोल्डर को इम्पोर्ट कर सकता हूँ या अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पर इस वीडियोस को इंपोर्ट कर सकता हूँ इंडिविजुअली, लेकिन मैं यहाँ पर पूरा फोल्डर जो है वो इंपोर्ट करना चाह रहा हूँ। मैंने पूरा फोल्डर इंपोर्ट कर लिया है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये फोल्डर जो है वो इंपोर्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक फोल्डर मेरे पास आ चुका है जो कि वीडियोस का फोल्डर है। मैं एक और फोल्डर इंपोर्ट करना चाह रहा हूँ जो कि मेरा ऑडियो का फोल्डर है, ठीक है। मैं कुछ चीज़ें हैं वो आपको क्लियर करना चाहूँगा। जब भी आप अगर किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं तो अपने डाटा को ऑर्गेनाइज रखें, ताकि अगर आप कुछ टाइम के बाद लाइक एक दो मंथ या तीन मंथ या एक दो साल के बाद जब भी आप उस प्रोजेक्ट पे दोबारा काम करना चाहें तो आप सिंपली उस प्रोजेक्ट को इजीली एक्सेस कर सकें, आपको पता हो कि आपने किस फोल्डर में क्या चीज़ रखी थी और कौन सी चीज़ किस तरह से थी। अगर आप ऑर्गेनाइज करके चलेंगे अपने प्रोजेक्ट को जब भी आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, अदरवाइज़ बहुत सी चीज़ें जो हैं वो मैसअप हो जाती हैं, आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सी फुटेज कहाँ पर थी, ऑडियो कहाँ पर थी, वीडियो कहाँ पर थी, या इसके अलावा और भी अगर कोई फुटेज आप यूज़ कर रहे हैं अपने एडिट के अंदर तो आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर मैंने दो फोल्डर्स इंपोर्ट कर लिए हैं, एक ऑडियो का फोल्डर है जिसके अंदर ऑडियो है हमारी, एक हमारे पास हमारे वीडियो का फोल्डर है जिसके अंदर हमारी वीडियोज़ हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, सीक्वेंस को क्रिएट करना है। सीक्वेंस किस तरह से क्रिएट होगी वो मैंने लास्ट वीडियोज़ में बताया था आपको, जो हमारा टाइमलाइन का ट्यूटोरियल था उसके अंदर मैंने ये चीज़ें आपको बताई थी कि हम किस तरह से सीक्वेंस क्रिएट करते हैं। मेथड मैं अभी आपको बता रहा हूँ सीक्वेंस को क्रिएट करने के लिए। यहाँ पर आपके पास प्रोजेक्ट पैनल के अंदर आप रहते हुए राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें न्यू आइटम आ रहा है, उसी के अंदर एक और डायलॉग बॉक्स है जिसमें सीक्वेंस का ऑप्शन आप देख रहे होंगे, आपने सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप डायलॉग बॉक्स ओपन करेंगे तो आपको कुछ डिफ़ॉल्ट जो है प्रीसेट सीक्वेंसेस के मिल जाते हैं जो प्रीमियर हमें पहले से ही दे रहा होता है। तो इस वक्त यहाँ पर ये वाला सिलेक्ट है, मेरे पास डिजिटल SLR है जिसके अंदर हमारे पास फुल HD में 24 फ्रेम्स पर सेकंड पे हमारे पास ये सीक्वेंस आ रहा है। तो मैं यहाँ पर इस सीक्वेंस को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओके कर देता हूँ। अगर आप चाह रहे हैं 25 फ्रेम्स पे तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे, और अगर आपने 30 फ्रेम्स पे करना है तो आप इसको कर लेंगे, लेकिन इस वक्त मैं इसको 24 फ्रेम्स पे करना चाह रहा हूँ तो मैंने 24 फ्रेम्स पे सिलेक्ट किया इसको और मैंने सीक्वेंस को क्रिएट कर दिया। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, सीक्वेंस का अगर आप नाम चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से नाम भी चेंज कर सकते हैं, इट डिपेंड्स कि आप क्या करना चाह रहे हैं। एक और चीज़ है, यहाँ पर सेटिंग्स में आ जाते हैं। सेटिंग्स में आने के बाद मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आपने फ्रेम्स को चेंज करना चाह रहे हैं तो आप सिंपली यहाँ पर आपके पास ये वाला ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ से अपने फ्रेम्स को चेंज कर सकते हैं, 60 फ्रेम्स हैं या 24 फ्रेम्स हैं और 25 फ्रेम्स हैं, 30 फ्रेम्स हैं, व्हाटएवर जो भी फ्रेम्स आपको चाहिए वो आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेम साइज़ है वो भी आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से, अगर आपको फुल HD नहीं चाहिए, आप
चाह रहे हैं, 720p आपको चाहिए, तो आप यहाँ से सब चीज़ें जो भी हैं आप वो यहाँ से मैनुअली चेंज कर सकते हैं। आपके पास ये एक्सेस यहाँ पर होता है। तो फिल वक्त मैंने यहाँ पर 24 फ्रेम्स जो हैं वो सिलेक्ट किए हुए हैं। DSLR 1080p है, 24 फ्रेम्स हमारी सेटिंग्स हैं और सीक्वेंस 1 है हमारा। मैंने यहाँ पे ओके कर दिया। यहाँ पे ओके करने के बाद आप देखें आपका एक टाइमलाइन का जो पैनल है, टाइमलाइन का पैनल आपका एक्सेसिबल है। अब यहाँ पर एक आपके पास देख रहे होंगे कि एक टाइमलाइन क्रिएट हो चुकी है जिसका सीक्वेंस यहाँ पर है, ठीक। और अभी यहाँ पर कोई भी वीडियो मौजूद नहीं है क्योंकि हमने कोई भी वीडियो हम अपने टाइमलाइन पे नहीं लेकर गए। मैं यहाँ पर एक और फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ जो मैं सीक्वेंस के नाम से ही रखूँगा। और मैं सीक्वेंस के फोल्डर में सीक्वेंस को रख देता हूँ, ठीक है। तो अब मैं बेसिकली क्या चाह रहा हूँ कि अब मुझे वीडियोस को इंपोर्ट करना है अपने टाइमलाइन के ऊपर। इसके बेसिकली दो तीन मेथड्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। या तो आप यहाँ से ड्रैग करके ला सकते हैं सिंपली। अच्छा, अब आपके पास यहाँ पर मिसमैच आ रहा है। बेसिकली एक मिसमैच क्या आ रहा है, वीडियो की सेटिंग्स जो हैं वो डिफरेंट हैं और आपके टाइमलाइन की सेटिंग्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। किस तरह से वो मैं आपको समझा देता हूँ। अभी सिंपली आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे आपके पास प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं। आपकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं, फ्रेम रेट आपका चेंज है। यहाँ पर आपका 30 फ्रेम्स आ रहा है। आपने जो सेटिंग्स रखी थी वो 23.97 समथिंग कुछ था जो आपने फ्रेम रेट सेट किया था। यहाँ पर आपके पास जो है 30 फ्रेम है। आपने जो सेट किया वो 23.79 समथिंग कुछ था जो आपने सेट किया, जो कि एक डिफ़ॉल्ट आपका प्री सेट है। यहाँ पर आपके पास 30 फ्रेम्स हैं, इस वजह से यहाँ पर मिस मैच दिखा रहा है। आप सिंपली क्या करेंगे, जब भी आप ड्रैग करके यहाँ पर लेकर आएंगे तो आपने जो एक्सपोर्ट करनी है सेटिंग्स वही आपको रखनी है। अगर आप एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं 30 फ्रेम्स पे, तो आप 30 फ्रेम्स के लिए आप चेंज सीक्वेंस सेटिंग कर देंगे। अगर आप 23 फ्रेम्स पे करना चाह रहे हैं, 24 फ्रेम्स पे, लाइक आप इसको रेंडर करना चाह रहे हैं, एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, आप 24 फ्रेम्स पे एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो आप इसको कीप एग्जिस्टिंग सेटिंग कर देंगे ताकि आपका रेंडर जो है वो 24 फ्रेम्स पे एक्सपोर्ट हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कीप एग्जिस्टिंग सेटिंग कर रहा हूँ और जो सेटिंग मेरी मेरी सीक्वेंस की थी वही सेटिंग इस वक्त आपकी वीडियो की हो चुकी है। आपने यहाँ पर सिंपली एक तरीका आपको मैंने ये बताया कि आप यहाँ पर वीडियो को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। दूसरा एक और वे है कि अगर आपने सब क्लिप्स को टाइमलाइन पे लेकर आना है तो आप सिंपली इस फोल्डर को ड्रैग करेंगे और यहाँ पर ले आएंगे अपने टाइमलाइन के ऊपर। एक मेथड ये है। एक और मेथड है जिसमें ये होगा कि आप सोर्स पैनल से लेकर आएंगे। आपने इसी वीडियो के ऊपर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद आप क्या करेंगे, आप सिंपली आप यहाँ से भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ जस्ट वीडियो को, मुझे इसकी ऑडियो नहीं चाहिए, इस वजह से मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं कर रहा। अगर मुझे ऑडियो भी चाहिए और वीडियो भी चाहिए तो उसका भी मैं आपको बता देता हूँ आप किस तरह से लेकर आएंगे। ये आपका ऑप्शन जो आ रहा है यहाँ पर, ड्रैग ऑडियो ओनली है, ये ड्रैग वीडियो ओनली है। तो अगर आपको इंडिविजुअल कुछ चीज़ चाहिए तो आप इस तरह से आप ला सकते हैं, और अगर आपको कंप्लीट एक वीडियो चाहिए तो उसका भी मैं आपको बता देता हूँ कि आप उसको किस तरह से लेकर आएंगे अपने टाइमलाइन के ऊपर। तो आप सिंपली क्या करेंगे, आपने इस वीडियो को यहाँ से ड्रैग करना है और अपने टाइमलाइन पे लेकर आना है, और जो पार्ट आपने सेलेक्ट किया है, इन और आउट आपने अपने सोर्स पैनल के अंदर लगा दिए थे, आपका वही पार्ट जो है यहाँ पर आ चुका है। आप ये देखें आपका वही पार्ट यहाँ पर मौजूद है। तो आप सिंपली इस तरह से वीडियो को अपने टाइमलाइन पे ला सकते हैं, ठीक है। अभी मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ और मैं एक कंप्लीट वीडियोस जो हैं वो मैं अपनी टाइमलाइन पे लाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अभी मैं कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर। अभी आप ये देख रहे हैं तो मेरे पास इस वक्त टाइमलाइन पे पूरी फुटेज जो है वो आ चुकी है। अब इसको मैं एडिट किस तरह से करूँगा ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि हमें पहले तो क्या करना है। या तो हम पहले पूरी फुटेज को चेक कर लें कि हम क्या चीज़ एडिट करना चाह रहे हैं, या सिंपली हम एक और चीज़ कर सकते हैं कि जो जो पार्ट्स हमें चाहिए हम वो पार्ट्स रखें, उसके बाद रिमेनिंग पार्ट्स को हम हटा दें। तो हम पहले एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं पूरी फुटेज को। तो ये एक पूरा प्रोसेस इस तरह से आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मैं फुटेज को पहले सॉर्ट कर रहा हूँ,
ठीक है, तो ये हमारी फुटेज जो है बेसिकली ये हमारी लास्ट की फुटेज है, ये हमारी स्टार्ट की फुटेज है। पराठा किस तरह से बन रहा है तो ये मैं उसी को एडिट करूँगा कि हम पराठा किस तरह से बना रहे हैं, तो ये मैं वीडियो बेसिकली एडिट कर रहा हूँ। इस फुटेज को लेकर आते हैं यहाँ पर, उसके बाद इस फुटेज को यहाँ पर लेकर आते हैं। एक सीक्वेंस को मेंटेन करने के लिए हम ये सब चीज़ें कर रहे हैं कि हम फुटेज को देखें, एक स्टोरी लाइन मेंटेन हो जाएगी आपकी, कि जो शॉट्स आपके जहाँ पर शूट कर रहे हैं आपको उन शॉट्स को वहाँ पर रखना है या नहीं रखना। ज़रूरी नहीं है कि आप जो भी शूट कर रहे हैं और वो सारा डाटा जो है वो आप अपने एडिट के अंदर लेकर आएंगे, आप चाह रहे हैं जो भी आपने शूट किया वो सब आपका वहाँ पर आए, ज़रूरी नहीं है। आपको एक स्टोरी लाइन मेंटेन करनी है। स्टोरी लाइन किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं वो आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। तो मैंने फ़िलहाल यहाँ पर मेरे पास चार फुटेजेस जो हैं वो मैंने शॉर्ट कर ली हैं। अब मैं दिखाता हूँ कि हमारे पास ये चार फुटेजेस मौजूद हैं। एक फुटेज ये मौजूद है, एक फुटेज ये मौजूद है। शॉर्टकट में आपको बता देता हूँ, कंट्रोल के कर देंगे तो आपकी जो टाइमलाइन पे फुटेज है वो क्रॉप हो जाएगी और आप डिलीट कर सकते हैं रिमेनिंग, या आप सिंपली क्रॉप टूल भी यहाँ से ले सकते हैं और उससे भी क्रॉप कर सकते हैं। सी इसका जो है वो शॉर्टकट की है और कंट्रोल के से आपकी क्रॉप हो जाएगी वो फुटेज। ठीक है, इसको क्रॉप कर दिया आपने, ये फुटेज आप डिलीट कर दें, आपकी एक्स्ट्रा फुटेज है। इसमें क्या है, ठीक है, ये फुटेज हम डिलीट कर देते हैं। उसके बाद आपको और देखना है कि आप क्या निकाल सकते हैं यहाँ से। तो रफ कट जो है हमारा वो बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, उसके अंदर हमने कुछ इस तरह से टाइमलाइन पे अपनी वीडियो को सेट किया है। ये शॉट जहाँ तक मुझे लग रहा है ये शॉट हमारा ब्लर हो रहा है, तो हम इसको ये देखें यहाँ तक ही रखेंगे इस शॉट को। रिमेनिंग ये वाला पार्ट हम डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के दो तरीके हैं, जो लेयर आप सिलेक्ट कर रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ कंट्रोल जेड करके। ये वाला पार्ट आपको डिलीट करना है, या तो आप सिंपली इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे, आप सिंपली सिलेक्ट करके इसको बैक स्पेस कर देंगे तो भी आप इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। और रिमेनिंग जो आपका गैप है उसको कम करने के लिए आपको यहाँ पर लेफ्ट क्लिक करना है इसके गैप के बीच में और बैक स्पेस करना है, तो आपका वो गैप कंप्लीट हो जाएगा। जो भी पार्ट में डिलीट कर रहा हूँ वो मैं आपको बता दूँ, मैं कंट्रोल के से डिलीट कर रहा हूँ, कंट्रोल के से डिलीट हो रहा है वो वाला पार्ट। शॉर्टकट की दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ, कंट्रोल के है, कंट्रोल के को प्रेस करेंगे आपका कट लग जाएगा आपकी ऑडियो वाली लेयर पे और आपकी वीडियो वाली लेयर पे। उस पार्ट को आप सिलेक्ट करेंगे और उस पार्ट को आप डिलीट कर देंगे सिंपली। तो बेसिकली टाइम सेव करने के लिए शॉर्टकट्स हैं। ठीक हो गया, कुछ शॉर्ट्स और चाहिए जो हमारे फाइनल शॉर्ट्स होंगे। इसको हमें पहले सेट करना होगा यहाँ तक, ये शॉट ख़त्म होगा उसके बाद इस शॉट को हम चेक करेंगे। यहाँ से ये वाला शॉट स्टार्ट होगा हमारा, यहाँ से ये वाला शॉट स्टार्ट होगा। इस शॉट की ज़रूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं हम। तो हमारे पास एक अब तक ये रफ टाइमलाइन जो है आ रही है, बाकी रिमेनिंग चीज़ें जो हैं वो हम अपने टाइमलाइन से हटा देते हैं। ये सब चीज़ें हम अपने टाइमलाइन से हटा देते हैं। ठीक है, जो हमारी टाइमलाइन बनी है वो हमें देखनी है कि हमारी टाइमलाइन अब तक कितनी बन चुकी है। तो मैं आपको बता देता हूँ, हमारी टाइमलाइन इस वक्त जो है 1 मिनट और 9 सेकंड की हमारी टाइमलाइन है। ठीक है, और आपको इसको रेंडर करना है या आपको मज़ीद इसको और इसके अंदर कोई चेंजेस करनी है तो वो किस तरह से होंगी वो मैं आपको बता देता हूँ। सेलेक्ट करने के लिए सिंपली आप अपने कीबोर्ड में होम का एक बटन होगा उस पर प्रेस करेंगे तो आपका कर्सर जो है वो टाइमलाइन के बिल्कुल स्टार्ट में आ जाएगा। आई इसका शॉर्टकट है सिलेक्शन करने के लिए, आई को आपने प्रेस करना है। और आपका एक और बटन है होम के नीचे ही, एक और बटन है एंड का, आप एंड करेंगे तो आपके टाइमलाइन के बिल्कुल एंड में कर्सर आ जाएगा। आप सिंपली ओ प्रेस करेंगे तो आपकी एक सिलेक्शन क्रिएट हो जाएगी। सिलेक्शन क्रिएट होने के बाद आप इसको रेंडर इन एंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, रेंडर इन आउट करेंगे
तो आपकी रेंडरिंग स्टार्ट हो जाएगी, आपका ये वाला पार्ट जो है वो रेंडर होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो मेरे ख्याल से अभी हमने जो चीज़ें ऐड की हैं वो इसके अंदर हमने एक टाइमलाइन को क्रिएट किया है कि हम टाइमलाइन किस तरह से क्रिएट करते हैं, वीडियो को किस तरह से अपने टाइमलाइन में लेकर आते हैं, उसको किस तरह से कट करते हैं, फिर उसको किस तरह से असेंबल करते हैं, एक स्टोरी लाइन क्रिएट करने के लिए ये सब चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। इसमें एक चीज़ और मैं अभी ऐड करना चाहूँगा कि हमने अगर म्यूज़िक ऐड करना है तो म्यूज़िक को हम किस तरह से ऐड करेंगे अपनी वीडियो के अंदर। सिंपली आपने ऑडियो का फोल्डर जो आपने इंपोर्ट किया है उसी के अंदर आपका म्यूज़िक है, आपने ड्रैग करके उसी तरह से अपने टाइमलाइन पे लेकर आना है जिस तरह से आप वीडियो को ड्रैग करके टाइमलाइन पे लेकर आए हैं। ठीक है, उसके बाद मैं इसको चाह रहा हूँ कि मेरा म्यूज़िक काफ़ी बड़ा है और मेरी वीडियो जो है वो बहुत छोटी है म्यूज़िक के हिसाब से, तो मैं क्या करूँगा, जहाँ तक मेरी वीडियो आ रही है मैं वहीं तक अपनी ऑडियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ, रिमेनिंग पार्ट में उसको क्रॉप कर रहा हूँ, मैं यहाँ से क्रॉप करके हटा देता हूँ। अच्छा, अब आप देख रहे होंगे आपके पास एक लेयर जो है ऑडियो की है, सॉरी दो लेयर्स आपके पास बेसिकली ऑडियो की हैं और एक लेयर आपके पास वीडियो की है। दो लेयर्स जो ऑडियो की हैं ये आपकी, एक ऑडियो की म्यूज़िक की लेयर है और एक आपकी कैमरा में जो आपका ऑडियो रिकॉर्ड हुआ है आपकी वीडियो के साथ, ये वो वाली लेयर है जो आपकी कैमरा में डिफ़ॉल्ट रिकॉर्ड हुआ है आपका ऑडियो आपके वीडियो के साथ, तो ये वो वाली लेयर है और आपकी एक वीडियो जो है वो आपकी वीडियो की लेयर आ रही है। ठीक है, तो मज़ीद इसमें अब किस तरह से हम इसको चेंज कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी मैं म्यूज़िक के साथ आपको जो है वो एक दफ़ा वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ। अच्छा, मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर कि हम बीट्स पे भी एडिट करते हैं, बीट पे भी एडिट होता है। बीट पे एडिट किस तरह से होगा वो मैं आपको इंशाल्लाह अपनी आने वाली वीडियोस में बताऊँगा कि अगर हम बीट पे एडिट करना चाह रहे हैं तो हम बीट पे किस तरह से एडिट करते हैं, कि बीट पे कट लगता है, कट होने के बाद हमारा नेक्स्ट फ्रेम जो है वो हमारी बीट पे आ जाएगा, हमारी नेक्स्ट वीडियो जो है वो बीट पर आएगी। तो बीट पे जो एडिट होगा वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। फ़िलहाल जस्ट मैंने आपको एक ओवरव्यू देने के लिए इस म्यूज़िक को ऐड किया है, इसमें मैं इसको बीट पे एडिट नहीं कर रहा, जस्ट मैं अभी एक रफ़ एडिट करके दिखा रहा हूँ बिगनर्स लेवल का कि हम उसको रफ़ एडिट किस तरह से करते हैं अपनी वीडियो के अंदर। अगर हमने रफ़ एडिट करना है या हमने कोई ऑडियो या अपनी वीडियो को एडिट करना चाह रहे हैं तो हम किस तरह से कर सकते हैं, ये वीडियो जस्ट उसी के लिए है। मज़ीद एडवांस लेवल की वीडियोज़ जो हैं वो मैं इंशाल्लाह अपने आगे आने वाली वीडियोज़ में आपको बताऊँगा कि उनको हम किस तरह से एडिट करते हैं, बीट पर किस तरह से एडिट होगा या हम मार्कर्स किस तरह से यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं प्रीमियर के अंदर जो हम मिलकर एक्सप्लोर करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो को देखते हैं। ठीक है, तो इसमें अभी ये वाला शॉट बहुत लंबा हो रहा है तो अगर आप चाहें तो आप इसको कट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये शॉट यहाँ तक इनफ है, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से इस वाली वीडियो को। जो शॉर्ट्स आपको लग रहा है कि लंबे हैं आप उनको क्रॉप कर सकते हैं, ट्रिम कर सकते हैं, इट्स अप टू योर एडिट स्टाइल कि आप उसको किस तरह से एडिट करना चाह रहे हैं। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अपनी वीडियो का कौन सा पार्ट रखना है और कौन सा पार्ट हटाना है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर एडिट स्टाइल कि आप किस चीज़ को किस तरह से एडिट करना चाह रहे हैं। मैं फिर से दोबारा बताना चाहूँगा, ये एक रफ़ एडिट है, रफ़ एडिट के अंदर मैं जस्ट एक ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ कि हम किस तरह से एडिट कर सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं मैंने ऑडियो को चेंज कर दिया है फिलहाल। काफ़ी गैप के बाद स्टार्ट हो रहा है तो हम ऑडियो यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर कट कर देते हैं इसको।
मैं एक रफ एडिट करके दिखा रहा हूँ बीट के ऊपर कि हम बीट पे किस तरह से एडिट करते हैं, ये आप देख रहे होंगे। अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, बीट के ऊपर जब भी आप एडिट करते हैं आपके कट्स बहुत जल्दी जल्दी लगते हैं, आपकी जैसे जैसे बीट चेंज होती जाएगी आपके कट्स लगते जाएंगे, आपकी वीडियो चेंज होती जाएगी। लेकिन यहाँ पर अभी भी मैंने उस तरह से एडिट नहीं किया है जिस तरह से बीट पर एडिट होता है। ऑलराइट गाइस, तो मैं अभी आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि मैंने इसको बीट पे एडिट किया है थोड़ा बहुत, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार इसको मैं प्ले करके। इस वक्त ये वीडियो जो है हमारी 34 सेकंड्स की है, आप इसको एक दफ़ा देखिए कि ये किस तरह से एडिट की है मैंने। ऑलराइट गाइस, तो अभी मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ इसके हवाले से कि ये बीट पे जो आप एडिट देख रहे हैं इसमें हम कट्स और भी जल्दी लगा सकते हैं, हम और भी जल्दी बीट को पकड़ सकते हैं अपनी कट्स के थ्रू। तो मैं अभी आपको जस्ट एक रफ़ एडिट बताना चाह रहा था कि आप रफ़ एडिट इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें और हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, इसको हम और भी और बेहतर कर सकते हैं, वो एडवांस लेवल है थोड़ा सा। उसके अंदर मैं आपको कुछ चीज़ों का जस्ट एक ओवरव्यू दे देता हूँ। आप इसमें एडजस्टमेंट लेयर यूज़ करके आप इसको कलर ग्रेड कर सकते हैं, आप इसको सिनेमैटिक बार्स दे सकते हैं, आप इसमें अभी जहाँ पे आपको कुछ जगह पे एक जर्क नज़र आ रहा होगा, आपको एक शेकी फुटेज नज़र आ रही होगी, आप उस शेकी फुटेज को ख़त्म कर सकते हैं, स्टेबलाइजर लगा सकते हैं, स्पीड ड्यूरेशन जो है वो आप इसकी कम कर सकते हैं, लाइक फ्रेम्स आप इसके बढ़ा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी आप इसमें कर सकते हैं। तो मैं एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, ये जस्ट एक रफ़ एडिट था, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है तो मैं इसको यहाँ पे वाइंड अप करना चाहूँगा कि एक वीडियो को आप एडिट अगर करना चाह रहे हैं प्रीमियर के अंदर तो आप किस तरह से कर सकते हैं, इसका एक आई होप कि आपको एक समझ में आ गया होगा। और सिंपली आपने एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट की कुछ सेटिंग्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। एक्सपोर्ट करने की सेटिंग्स क्या होंगी, आप यहाँ पर फाइल में जाएंगे, फाइल में जाने के बाद आपके पास यहाँ पर एक्सपोर्ट आ रहा है, मीडिया में जाएंगे, मीडिया में जाने के बाद आपके पास एक और डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। H.264 आपका ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जिस पे आप इसको रेंडर कर रहे होते हैं, ठीक है। सिंपली मैच सोर्स हाई बिट रेट है आपका यहाँ पर। एक्सपोर्ट वीडियो और एक्सपोर्ट ऑडियो इन दोनों पर चेक लगा होना ज़रूरी है, अगर आप ऑडियो को एक्सपोर्ट नहीं करना चाह रहे तो यहाँ से चेक हटा देंगे, अगर आपको ऑडियो भी एक्सपोर्ट करनी है तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपना इस वाले एक्सपोर्ट ऑडियो वाले डायलॉग बॉक्स पे चेक इन कर दें ताकि आपका एक्सपोर्ट ऑडियो भी हो जाए। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि वीडियो एक्सपोर्ट हो जाती है और उसमें ऑडियो नहीं आ रहा होता, तो उसकी वजह यही होती है कि यहाँ पर या तो चेक इन नहीं हुआ होता या एक और प्रॉब्लम होती है, यहाँ से जिस तरह से हमने अभी म्यूट किया है, मैं आपको ये दिखा देता हूँ, आपने यहाँ से म्यूट किया है तो यहाँ से लेयर आपकी म्यूट होती है जब भी आपका ऑडियो आपकी वीडियो में नहीं आ रहा होता, ठीक है। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, आपने जो सेटिंग्स रखी थी और उसके अलावा जो आपका फ्रेम रेट है वो आपका ये देखें 23.976
जो आपका स्टैंडर्ड आपने फ्रेम रेट सेट किया था राउंड ऑफ करके, ये 24 फ्रेम्स कहलाता है। और रेंडर एट मैक्सिमम डेप्थ कर दें आप इसको यहाँ पर, और इसके अलावा बाकी रिमेनिंग चीज़ें जो भी हैं वो इसी तरह से रहने दें। यूज़ मैक्सिमम रेंडर क्वालिटी कर दें। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि आउटपुट कहाँ पर चाहिए आपको, और आउटपुट का अगर आप नेम देना चाह रहे हैं तो वो आप यहाँ से दे सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर, हमने यहाँ पर फोल्डर बनाया था डेस्कटॉप के ऊपर, ट्यूटोरियल 11 के नाम से ये फोल्डर बना हुआ था। यहीं पे आप इसको चाह रहे हैं कि ये एक्सपोर्ट हो, तो आप सिंपली यहाँ पर जो भी नाम देना चाह रहे हैं, ट्यूटोरियल 1 या वट एवर जो भी आप नाम देना चाह रहे हैं वो आप नाम दे सकते हैं। ट्यूटोरियल 11 है ये हमारा, तो मैंने यहाँ पर ट्यूटोरियल 11 कर दिया, इसको सेव कर दिया। तो आपका एक्सपोर्ट जो होगा वो आपका उसी फोल्डर में होगा जिस फोल्डर में आपने अपना प्रोजेक्ट जो है वो सेव किया है। देन आप सिंपली कुछ भी नहीं करेंगे, आपको सिंपली यहाँ से एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। तो आपकी फ़ाइल जो है वो अब एक्सपोर्ट हो रही है। एक्सपोर्ट होने के बाद ये आपकी फ़ाइल आपके उसी फोल्डर में जाएगी जिस फोल्डर में आपने अपना प्रोजेक्ट सेव किया था, जिस फोल्डर में आप प्रोजेक्ट को एडिट कर रहे थे। तो आपका ये प्रोजेक्ट यहाँ पर सेव हो चुका है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर, ये देखिए ट्यूटोरियल 11 के नाम से जो आपने फोल्डर बनाया था और जो आपने वीडियो एडिट किया था, ये वही वीडियो है जो आप एडिट कर चुके थे। और राइट गाइस, मैं जानता हूँ वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, इस वीडियो के हवाले से कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा। इस वीडियो को हम और बेहतर कर सकते थे, इसमें हम कलर ग्रेडिंग कर सकते थे, इसके अलावा हम इसमें जो शेकी एक फुटेज थी उसको हम ख़त्म कर सकते थे, या हम सिनेमैटिक बार्स जो हैं वो हम लगा सकते थे। ये सब चीज़ें मैं कर सकता था। इस वीडियो की टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी थी जिसकी वजह से मैंने ये सब चीज़ें नहीं की। ये सब चीज़ें मैं आने वाले ट्यूटोरियल्स में बताऊंगा आपको कि हम सिनेमैटिक बार्स किस तरह से लगाते हैं, कलर ग्रेड किस तरह से करते हैं, या इसके अलावा हमने अगर किसी फुटेज को उसके अंदर से शेकीनेस हटानी है तो वो हम किस तरह से करेंगे। ये सब चीज़ें मैं आपसे आने वाले ट्यूटोरियल्स में डिस्कस ज़रूर करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो के हवाले से कोई भी सवाल आते हैं आपके माइंड में, तो आप मुझे नीचे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड कलर का एक बॉक्स बना हुआ आ रहा होगा, उस पर क्लिक कर दें। साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। जब तक अपना ख्याल रखिए। खुर्रम साइनिंग आउट, अल्लाह निगहबान।